ओम शांति। आज सवेरे करावल नगर गीता पाठशाला में 28 जुलाई 1965 की वाणी चल रही थी। दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी, नाम को याद करने से ही बाप द्वारा जीवन मुक्ति स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। नाम की महिमा भक्ति मार्ग में भी है और नाम होता है काम के आधार पर। जिन जिन देवी देवताओं ने या भगवान ने जो भी काम किया है उस काम के आधार पर उनका नाम पड़ा। अनेक प्रकार के नाम पड़े जैसे जैसे काम किए, तो नाम की महिमा भक्ति मार्ग में भी है और संगम युग में होता है काम, भक्ति मार्ग में होता है नाम। जो बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, अनेक नामों को याद करने की दरकार नहीं है, माम एकम याद करो। क्यों? क्योंकि षष्ठी को पलटने के जो भी काम है, जो भी देवताओं ने किए हैं, जो भी देवियों ने किए हैं, जब मैं षष्ठी पर आता हूँ तो मेरी याद की पावर से वो काम हुए, इसलिए माम एकम याद करो। माम एकम याद करो ये किसके लिए कहेंगे, किसको कहेंगे? ब्राह्मणों को ही कहेंगे, ब्रह्मा द्वारा ही कहेंगे ना कि माम एकम याद करो। आते भी है पतित दुनिया में, हम ब्राह्मण भी के कुमारियां हैं, वास्तव में तुम भी हो, परंतु तुमने पहचाना नहीं है। दादा कहते हैं मुझे और वर्षिल को याद करो, ये भी दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी तो देवताओं की विजय हुई थी, वो है आसुरी संप्रदाय और ये है दैवी संप्रदाय। हम परमपिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हैं, गाते भी हैं मनुष्य देवता की करतन लागी वार, ये ग्रंथ के महावाक्य सुने हैं। करतन लागे वार अर्थात सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तो समझाना पड़े कि वो सेकंड कौन सा है जिसमें ब्रह्मा सु विष्णु एक सेकंड में बन जाता है, एक सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाता है। क्या समझाने की बात है? कोई समझाने की बात है? ये ज्ञान यज्ञ तो चल रहा है 67-68 साल हो गए, 36 से चल रहा है, अभी तक भी वो एक सेकंड नहीं आया कि ब्रह्मा सो विष्णु बनता और ब्राह्मण सो देवता बनते, वो तो कौन से सेकंड का गायन हुआ? ब्रह्मा जरूर है, बड़ी माँ को ब्रह्मा कहा जाता है। माँ का जब तक उद्धार न हो पूरे परिवार का उद्धार नहीं हो सकता। माँ की बुद्धि सबसे जास्ती परिवार में बट जाती है, परिवार का जितना कल्याण माँ चाहती है उतना परिवार का कोई सदस्य नहीं चाहता। तो तेरे बहाने सर्व का भला, माँ की बुद्धि में जब वो निश्चय बुद्धि होकर के ईश्वर के सामने आती है उसी क्षण भला हो जाता है। निश्चय बुद्धि बनने की ही कमाल है, निश्चय बुद्धि विजय से विष्णु बन जाता है। और कोई धर्म में वर्ण नहीं है, देवी देवता सनातन धर्म में 4 वर्ण है, जो ब्राह्मण बनते हैं सो देवता बनते हैं, देवता बनते हैं तो शूद्र, शूद्र से वैसे, वैसे से वैसे से शूद्र बनते हैं और शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। भारत का है ये आदि सनातन देवी देवता धर्म और भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बुलंद आवाज से बड़ी सभा में बैठ करके समझावे तो कितना प्रभाव पड़े, समझेंगे? ज्ञान तो इनमें है और ये भगवान का रास्ता बताती है,
निराकार परमात्मा ही कहते हैं आत्मा है, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। कौन कहते हैं माम एकम याद करो? निराकार परम पिता परमात्मा। अब यहाँ निराकार का अर्थ क्या लगेगा? निराकार का अर्थ ज्योति बिंदु लगेगा या साकारी स्टेज में निराकार रहने वाला लगेगा? क्योंकि शब्द लगा हुआ है कहते हैं, कहना जो है वो बिंदु में से आवाज नहीं आ सकती, जरूर उसको कोई शरीर धारण करना पड़े कहने के लिए कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, सारे पाप कर्म भस्म हो जावेंगे, गंगा स्नान तीर्थ आदि तो जन्म जन्मांतर करते करते पतित बन गए, अभी भी गंगा स्नान करते रहेंगे, अभी भी तीर्थ आदि ठिकानों में चक्करे खाते रहेंगे तो टाइम निकल जाएगा। अभी मैं आया हुआ हूँ 28 जुलाई 1965 की वाणी का तीसरा, भारत की ही चढ़ती कला उतरती कला होती है, वह राजयोग सिखाए चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाती है, फिर माया रावण नर्क में ले आता है तो उतरती कला हुई, इसमें 5000 वर्ष लग जाते हैं। उतरती कला में 5000 वर्ष लगते हैं और चढ़ती कला में कैसे? तो चढ़ जाओ है? क्यों नहीं चढ़ पाते? हाँ, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयते बनने में टाइम लगता है, पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए, बुद्धि क्लियर हो जाए उसमें टाइम लग जाता है, तो माया रावण नर्क में गिराती रहती है, उतरती कला की भी शूटिंग होती रहती है, भला आधा कल तुम स्वर्ग में हो परंतु उतरती कला तो कहेंगे ना, स्वर्ग में चढ़ती कला होगी या उतरती कला होगी? उतरती कला वहां भी होगी। जितना जितना भोग भोगते हैं इंद्रियों से उतना उतरती कला होती है, श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो उतरती कला धीमी गति से होती है, और भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो उतरती कला तीव्र गति से होती है। बाप आकर के श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करना सिखाते हैं, उनको कहते हैं देवताएं, जन्म बाई जन्म थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, ज्ञान है चढ़ती कला और भक्ति है उतरती कला। जब सतयुग के आदि से ही उतरती कला होती है तो उसे भक्ति कहे या ज्ञान कहे? ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही होता है, देवताओं में भी ज्ञान नहीं होता, कहते भी हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेगा, तो भगवान ज्ञान देंगे, वो भगवान ही ज्ञान का सागर है, ज्ञानंजन सतगुरु दिया ज्ञान अंधेरे विनाश, और सतगुरु तो एक परम पिता परमात्मा ही है, महिमा सतगुरु की है न कि गुरुओं की है, गुरु लोग तो ढेर के ढेर है और सतगुरु अकाल मूर्त तो एक ही गाया हुआ है, वही सदगतिदाता पतित पावन लिबरेटर है, गुरु लोग जो भी सब उतरती कला में है, उतरते उतरते इस भारत को कंगाल बनाई दिया, यज्ञ तप दान पुण्य बहुत करते हैं, इतना यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं तो उन्नति को पाना चाहिए पर नहीं, और ही उतरते जाते हैं, भक्ति में है ही दुर्गति, ये सब बाप बैठ समझाते हैं कि दान तप पुण्य आदि करने पर भी नीचे क्यों उतरते हैं, कारण क्या हुआ है? ये तो अच्छी चीजें हैं, तप करना तपस्या करना दान करना, खराब
खराब बात तो नहीं है, पर उसमें उतरती कला क्यों होती है? क्योंकि ये सारे जो कर्म किए जाते हैं वो देहभान में किए जाते हैं। अहंकार में आकर के कोई अगर दान देता है तो उसका फल तामसी दान का मिलेगा या सात्विक दान का मिलेगा? तामसी दान का मिलेगा। तो जैसे जैसे देह अहंकार बढ़ता जाता है, भले श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं तो भी उनका प्रतिफल अच्छा नहीं हो पाता। तो भक्ति है ही दुर्गति। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति दुर्गति कैसे है। विद्वान पंडित आदि कुछ नहीं जानते, सभाओं में बैठे बुलंद आवाज से समझाना चाहिए, जो कोई के प्रश्न उठाने की ताकत ही नहीं रहे। तुम जानते हो भगवान वाच, मामे कम याद करो, तो हे आत्माएं तुम मेरे शांति धाम चली आ गए। वो है शांति धाम, है वो परम धाम, और ये है दुख धाम। क्या ऐसा नहीं, अभी हम इतनी बात भी नहीं समझते हो? देखो विद्वान पंडितों आदि की कैसी दुर्गति हुई। दुर्गति सदगति जिसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। वास्तव में भक्ति है दुर्गति। भारत कौड़ी से लुबन पड़ा है। पापी आए करके सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। क्या कहा, कैसे बनाते हैं सारी दुनिया को पावन? आए करके बिना आए दुनिया को पतित से पावन सदगति में नहीं ले जा सकते। बाकी ये गुरु कहलाने वाले तो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, उनको तो फायदा है सर्वव्यापी कह देने से। क्या फायदा है? ये गाल बजाने में तो गुरु लोग बहुत होशियार हैं, और सर्वव्यापी समझ लिया जाएगा तो भगवान उनमें भी साबित हो जाएगा। उनका जितना गाल कोई बजा नहीं सकेगा, और इस दुनिया में तो पंडित सोए जोई गाल बजावा। जो जितना जितना भाषण कर लेता है उतना ऊंचा माना जाता है, तो लोगों को श्रद्धा बैठ जाती है यही भगवान होगा। बाप भगवान कहते हैं कौड़ी दुल्ली बने पड़े हैं, सबको बेमुख करते हैं और गाली देते हैं, ये भगवान को डिफेम करते हैं। इसलिए गाया हुआ है, जब जब धर्म की ग्लानी हुई तब तब मैं आता हूँ। बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानी करते हैं, मुझे पत्थर में ठिक्कर में ठोक देते हैं, माना शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं उसमें ठोक देते हैं, या पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं उसमें ठोक देते हैं, विष्णु की मूर्ति बनाते हैं पत्थर की बनाते हैं तो उसमें भगवान को ठोक देते हैं। नहीं, सारी बातें बाप बैठे संगम युग की बताते हैं। संगम युग में जो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, जिनकी बुद्धि में कोई ज्ञान की रिंचक मात्र भी नहीं बैठती, ऐसे पत्थर बुद्धियों को भगवान समझ करके बैठ जाते हैं, ठिक्कर बुद्धियों में ठोक देते हैं। जैसे मिट्टी का ठेला, थोड़ी सी ठोकर लगती है और टूट जाता है, तो ऐसे अनिश्चय बुद्धियों को भी भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। फिर भी मैं इन पर उपकार करता हूँ और इनको पति से पावन बनाता हूँ। सब भ्रष्टाचारियों को शिष्टाचारी एक बाप ही बनावेगा। बेहद का वर्षा देने वाला बेहद का पापी है, बेहद का दुख देने वाला एक रावण है। सर अनेक है लेकिन रावण रावण ही, वो है बड़ा दुश्मन। उनको कोई नहीं जानते कि रावण पतित राज्य क्यों कहा जाता है। ये पांच विकार रूपी रावण जिसका चित्र दस शीश का बनाया हुआ है, ये बात विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। अभी बाप ने तुमको सारा राज समझाया क्या, कि रावण के जो दस सिर हैं वो पांच विकार पुरुष रूप में दिखाए गए हैं। माया के पांच विकार दिखाए जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और पांच स्त्री के रूप दिखाए गए हैं। प्रकृति के पांच तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, कहते हैं कि रावण ने इन पांचों तत्वों को अपनी पाटी से बांध रखा था। सारी
सारी प्रकृति कुदरत रावण के कंट्रोल में आ जाती है। वो तो जड़ प्रकृति है, जैसे सूरज चांद सितारे हमारे चैतन्य है, हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम सूरज चांद सितारे के मानिंद हैं, आत्मा है। ऐसे ही जो पांच तत्व हैं वो भी सजीव भी है तो निर्जीव भी है, बेहद में है सजीव आत्माएं जो सुखदायी भी बनती हैं सत्य त्रेता में पांच तत्वों के रूप में, और द्वापर कलयुग में रावण के कंट्रोल में आने के कारण सुखदायी भी बनती है। अभी वो पांचों तत्व कुदरत के पांचों ही रूप दुखदायी बन चुके क्योंकि रावण के कंट्रोल में। तो ये दस सिरों वाला चित्र है रावण का। अभी बाप ने तुमको सारा राज समझाया है, राम राज्य कब से कब तक चलता है, ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। रावण है बेहद का दुश्मन भारत का, उसने हमारी कितनी दुर्गति की है। आसुरी विकारी है ना, भ्रष्टाचारी क्यों कहा जाता है? भ्रष्टाचारी इसलिए कहा जाता है कि भ्रष्ट आचरण करने से पैदा होते हैं, मूत पलिति बनते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से नीचे गिरते हैं, तन से भी शक्ति क्षीण होती है, मन की भी शक्ति क्षीण होती है, समय भी बर्बाद जाता है और फायदा कुछ भी नहीं होता। तो उसको कहा जाता है विकृति विकार, कार माना कार्य और भी माना विपरीत। जो कार्य नहीं करना चाहिए उस कार्य के विपरीत कार्य, जो श्रीमत कहती है वो कार्य है सुकृत पुण्य कर्म, और जो श्रीमत के विपरीत कर्म किया जाता है वो है विकार। भारत ही पवित्र है वंथा, इस बात को तुम बच्चे भूल गए हो। कितने तुम घोर अंधियारे में पड़े हो, ऐसे घोर अंधियारे में किसने डाला? इन शास्त्र लिखने और सुनाने वालों ने घोर अंधियारे में डाला हुआ है। ऐसी ऐसी बातें सुनने से खड़े हो जाएंगे। भाषण किया और फिर कोई कहां गए, खलास हो गया, कोई बिरले आवेंगे। जैसे शमशान में मनुष्यों को वैराग आता है, ख्याल करते हैं बस भगवान की भक्ति करेंगे, और शमशान से बाहर निकले तो खलास हो जाता है। तो ऐसा ही अभी भी नजारा होने वाला है। दुनिया में धीरे धीरे विनाश होता रहेगा, जब विनाश बरपा होगा तो लोगों को इस दुनिया से वैराग आवेगा, ज्ञान की ओर भागेंगे, सोचेंगे बस भगवान की ही हम भक्ति करें। अभी तो शमशान घाट से बाहर आते हैं तो बाहर आते ही भाजी तरकारी मछली पल्ला में जाए खरीदने लग पड़ते हैं। गर्म में भी इंजाम करते हैं कि बाहर हमको निकालो, हम पाप नहीं करेंगे, और फिर बाहर निकले और पाप करना शुरू कर दे। यहाँ भी बाबा कितना समझाते रहते हैं, जैसे 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है, इतना बाबा समझाते रहते हैं, कोई की बुद्धि में तो एक बात भी नहीं बैठती। कितना सहज बात समझाते, सिर्फ बाप और बच्चे को याद करना है, मुख से कुछ भी कहो सिर्फ अलफ और बेसी को, ज्यादा मुख से बोलने की भी दरकार नहीं, खा और खा बस। परम पिता परमात्मा ये सारी सृष्टि का पिता है, उनको याद करो, वो ईश्वर की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? परमपिता परमात्मा स्वर की स्थापना करते हैं, रावण फिर नरक की स्थापना कर देता है। तुमको स्वर की स्थापना करने वाले बाप को याद करना है, और सभी सीमामत निकाल एक शिव बाबा को याद करना है। बल घर के व्यवहार में रहो, बल क्यों लगा दिया है? अलग घर ग्रस्त व्यवहार में रहो, बल क्यों लगा दिया है? बल न लगाए तो नहीं चलेगा। मन कोई को घर ग्रस्त व्यवहार से बाहर जाना छूट नहीं करता हो, क्योंकि लौकिक घर ग्रस्त व्यवहार है। परमात्मा बाप जो इस सृष्टि पर आता है गृहस्थी बन करके, तो वो भी आता है,
लेकिन वो उसे लौकिक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अलौकिक कहेंगे। तो यहाँ बाबा का इशारा है, तुम्हें अपना लौकिक अच्छा लगता है तो भले घर घर में रहो, मनाही नहीं है। क्या ये लौकिक को छोड़ छाड़ करके अलौकिक में आने वाले कौन बनते हैं? जिनको राजा ही का वर्षा लेना है वो लौकिक को त्याग देते हैं, और जिनको राजा ही का वर्षा नहीं लेना है स्वर्ग में ही जाना है, स्वर्ग में जाकर के सुखी रहना है, तो लौकिक दुनिया को उनको छोड़ने की दरकार नहीं है। आराम से बैठ करके पुरुषार्थ करें, धन धन धाम स्वर्ग परिवार संभालें और बाबा को याद करें, जितना हो सके उतना करें, बहुत तकलीफ उठाने की दरकार नहीं है, स्वर्ग में तो आई जावेगी। तो बोला हर ग्रह व्यवहार में रहो, और कहां शादी आदि पर भी जाओ, माने जो सरेंडर्ड वर्ग है, जिन्होंने घर घाट छोड़ा हुआ है, उनको तो नहीं कहते होंगे कि शादी आदि में जाओ, कि शादी आदि में जाने की छुट्टी देते हैं, नहीं देते। तो कहा भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी आदि में जाओ, जब फुर्सत मिले तो बाप को याद करो। कोई बहुत कंपल्सन नहीं है, उसी से बाप को याद करते रहो। ऐसे थोड़े ही कि कन्या कहाँ शादी पर जावेगी नहीं, बैठकों में जावेगी तो किसके साथ सगाई की हुई है उनको भूल जाएगी। बैठकों आदि में जाने की बाबा मनाही इसलिए करते हैं कि कच्चे कच्चे का माथा खराब न हो जाए। घरगस्त में रहने वाले पक्के पक्के हो गए, कच्चे कौन कहेंगे और पक्के कौन कहेंगे? पक्के वो जो कभी भी अनिश्चय बुद्धि न बने, और कच्चे वो जो थोड़े में किसी के संग के रंग में आवे और कन्वर्ट हो जावे। तो कच्चे कच्चे का माथा खराब नहीं होना चाहिए। बैठकों को देखते हुए भी तुम्हारी किसके साथ सगाई हुई है ये तुम्हारी बुद्धि में भूलना नहीं चाहिए। 28 जुलाई 1965 की वाणी का चौथा भी, जब तक उसके घर जाओ तब तक तुम सब कर्तव्य करते रहो। तुम भूल को निवास क्यों भूल जाते हो? ऐसी ऊंची सगाई जो तुम्हारी भूलनी तो नहीं चाहिए। कोई तो ऊंच से ऊंच सगाई करके फिर जाकर के नीच से नीच सगाई कर लेते हैं, अच्छे अच्छे नामी ग्रामी का भी माया हाल ये कर देती है। माया कितनी जबरदस्त, थप्पड़ लगा एक मुंह फेर देती है, फिर पैर इस तरफ और मुंह उस तरफ हो जाता है। इसलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं, तुम्हारी सगाई उनसे हुई है जिससे तुमको आधा कल्प सुख मिलता है। क्या कहा जिनसे हुई है सगाई, उस बाप से हुई है जिनसे तुम्हें आधा कल्प सुख मिलता है। आधा कल्प सुख मिलता है, जहाँ आधा कल्प सुख मिलता है वो आधा कल्प साथ में रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता, रहता है। अरे आधे कैसे रहता है, आधे कैसे नहीं रहता है? रहता है। अच्छा कैसे? वो तो परमधाम में बैठ जाता है 5-4 साल के लिए। बोला है सृष्टि में सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है तो रहता है ना। सच्ची सच्ची पक्की पक्की सगाई करो, अंदर यही चलता होगा, ऐसे शादी करेंगे, फिर पति के साथ जाएंगे, यह करेंगे, स्कूल में पढ़ते हैं समझते हैं, पढ़ करके बैरिस्टर बनूंगा, यह करूंगा। अगर पढ़ाई छोड़ दी तो फिर खत्म हो जाता है। तो ये साधन जो 21 जन्मों का सुख देता है उनको तो भूलना नहीं चाहिए। हाँ अभी दुख तो सहन करना है, क्योंकि तुम वनवास में बैठे हो, और तुम जो जहाँ बैठे हो वो तुम्हारे ही अपने किए हुए कर्म है। तो यहाँ वनवास में बैठे हो, अगर अपने किए हुए कर्म न हो तो हमको यहाँ भी कोई दुख नहीं दे सकता। तो सच्ची सच्ची पक्की पक्की सगाई करो, इसमें बाबा क्या करेगा?
बाबा कहेंगे कर्म भोग सहन करना है, दुख भोगते हुए भी तुम अपने बाप को मत भूलो, इस बात में गफलत मत करो। ये तो अच्छी बात है बाप को याद करना। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, साधन को भूलने से नुकसान हो जाएगा। तुम साक्षी हो, देखते रहो, याद बाबा को करते रहो। हमको तो जाना है अपने घर, ये पुरानी दुनिया का खेल देख रहे हैं, अभी हमको जाना है। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। कोई विलायत जाने के लिए बाबा से पूछते हैं, बाबा हम विलायत जावे? मैं कहता हूँ भल साक्षी होकर के पुरानी दुनिया को देख करके आओ। यहाँ भी बल लगा दिया क्या? एक तो जाओ बल दुनिया में और साक्षी होकर के जाओ, साक्षी होकर के पुरानी दुनिया को देख करके आओ, बल माया का काम को देख करके आओ। परंतु शर्त है क्या? मेरे को नहीं भूलना। अगर भूले तो जो तुमने यहाँ पाया है वो सब वहां जाकर के माया के पंप एंड शो चकाचौंध में सब भुला देंगे। क्या था? अमेरिका में या लंदन में जाने वाले घूमने के लिए जाते हैं तो क्या घाटा आ सकता है कि माया उनकी बुद्धि को चकाचौंध मार सकती है? अगर भूले तो सब कुछ दबा देंगे। तो कहां फंस नहीं जाओ, अपनी भी पहलवानी देखनी है, कहां तक हम महावीर हनुमान बने हैं। बाप समझाते हैं बल तुम गंधर्वी विवाह करो, यहाँ भी बल लगा दिया। अगर किसी की दिल जाती बित बित करती हो तो बल तुम गंधर्वी विवाह करो। तो अपनी परीक्षा लेनी है कि हम कहां तक महावीर बने। इकट्ठे सो करके देखना है कि कहां आग तो नहीं लगती है। इतना सुन के तो बहुत से कुमारों का माथा खराब हो जाएगा। ऐसे क्यों बोल दिया? अपनी परीक्षा लेनी है, इकट्ठे सो करके देखना है कहां आग तो नहीं लगती है। अगर आग लगेगी तो भाग जाना। भाग कैसे जाना? माया ने टांग पकड़ ली तो फिर भागने की हिम्मत रहेगी? परीक्षा जरूर लेनी है। आग लगी तो ये हमारे बहादुर बन करके दिखाओ। फिर कोई कोई भी कह सकते हो कि हम इकट्ठे रहते हैं, हम पवित्र रहते हैं, तो साक्षी होकर के अपन को देखना। ये तो पुराना शरीर खत्म हो जाना है, हमको तो बाप से बादशाही लेनी। हम अशरीर ही है, कोई भी लालच में फंसना नहीं चाहिए। अपनी जांच तो करनी है लेकिन ललचायमान नहीं होना है। अपन को फुल प्रूफ बनाओ। आठ दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। क्या कहा? ये किनका लक्ष्य बताया? साथ सो जाओ है? अपनी परीक्षा लेनी है। ये लक्ष्य किसका बताया है? आठ का लक्ष्य बताया है। जानो आठ में जाते जाते साठ गांठ माया से हो जाए। करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों में से आठ रतन बनते हैं। भारत के ही 3600 देवताएं का गाए जाते हैं। अगर वह भी कहो तो 3600 में से 8 फुल प्रूफ निकलते हैं। ज्यादा करके 108 तो बड़ी भारी मंजिल है। ऐसी मंजिल में पास होना है तो मालूम पड़े बरोबर युद्ध के मैदान में हम खड़ा हुआ। कितने ढेर हैं उनमें कोई पान का दीड़ा उठा करके वो डायरेक्शन पर चल करके दिखा देंगे। बूढ़ियों को भी बाबा कहते हैं अच्छा बाप और बच्चों को याद करते रहो, सबको ये रास्ता बताते रहो। प्रजा जो है वो तो ढेर की ढेर बननी है, उनके लिए कोई खास पुरुषार्थ नहीं है। प्रजा वर्ग की आत्माएं तो पवित्र रहने का भी पुरुषार्थ नहीं करेंगी। शिव मुख से बाबा बाबा कहते रहेंगे, रोज पुरुषार्थ नहीं करेंगे, रोज क्लास भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार संदेश ले लिया, मान लिया,
बाद में चले न चले तो भी कोई हर्जा नहीं, बाद में चले न चले तो भी कोई हर्जा नहीं, स्वर्ग में तो आ जाएंगे। लेकिन कौन सी कैटेगरी के स्वर्ग में आवेंगे वो फिर देखना पड़ेगा। तब कोई ये रास्ता बताते रहो, प्रजा तो ढेर की ढेर बनी है सतयुग में, कोई एक राजा नहीं होता है। पहले नंबर में 8 बादशाही होती है। सबसे ऊंच पद ये है, फिर है नंबर बाद, तो मेहनत करके आगे आ जाओ। अच्छा, इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो पुरुषार्थ करके प्रजा में भी अच्छा पद पा सकते हो, हैं? पुरुषार्थ करके प्रजा में अच्छा पद क्या होता है? राजघराने में आने से अच्छा बताते हैं कि प्रजा वर्ग में अगर फर्स्ट क्लास साहूकार बन गए तो भी बहुत अच्छा है। प्रजा वर्ग में भी क्या कदरी है, फर्स्ट क्लास प्रजा, बड़े बड़े साहूकार प्रजा वर्ग के धनाढ्य लोग राजघराने के साथ बैठते हैं। सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है, चांडाल आदि बनते हैं। बाप से बादशाही तो लेनी चाहिए, बादशाही नहीं लेते हैं तो प्रजा में ही सही। अच्छा, वो बरसात आती है सीजन पर, ये भी ज्ञान बरसात है, ज्ञान सागर बरसता तो रहता है ना, ये अविनाशी वर्षा है। और यहाँ ज्ञान सागर तो एक ही है, 8 बादशाही चलेंगे तो 8 बादशाही में टोटल कितने होंगे गद्दी पे बैठने वाले, हैं? 8 बादशाही में 9 गद्दी पे बैठने वाले, 8 बादशाही में 16 गद्दी पर बैठने वाले होंगे, लक्ष्मी भी तो होगी ना, तो युगल तो जरूर होंगे, परंतु बादशाही तो 8 ही कहेंगे, बादशाह कोई 16 नहीं कहेंगे। तुम अपना पुराना तन मन धन सब दे दो और सब कुछ नया ले लेते हो, सब कुछ दे करके सब कुछ नया ले लेते हो, तुम्हारा सौदा नंबर 1 है। बाप को रत्नागर सौदागर भी कहा जाता है, रत्नागर क्यों, रत्नों का आगार, सौदागर सौदा करने का आगार, नया लेते हैं। ऐसा सौदागर और मुसाफिर जो हसीन बनाते हैं, सारे विश्व को हसीन बना करके जाते हैं, मनुष्य भी हसीन तो दुनिया भी हसीन बन जाती है। अब ड्रामा में जो जैसा है फर्नीचर भी वैसा ही उनको मिलेगा, ऊंचा आदमी होगा तो उनका फर्नीचर भी ऊंचा होगा, नीच घराने में उनको बैठने का स्थान भी ऐसा ही होगा, साहूकार के पास फर्नीचर सब ऊंचा होगा तो ऊंचे से ऊंचे देवताओं का फर्नीचर भी बहुत ऊंचा होता होगा ना। आगे चल करके तुम सब साक्षात्कार करते रहेंगे, तुमको बहुत खुशी होती जाएगी। बाप कहते हैं बच्चे जीते रहो, 68 साल से तो जीते चले आ रहे हैं, अभी और कितने साल जीना है, कब साक्षात्कार होंगे, बहुत खुशी होती रहेगी। साक्षात्कार को तो भक्ति मार्ग बताई दिया है, उसमें खुश रहना है। साक्षात्कार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बंद आंखों का साक्षात्कार जो भक्ति मार्ग में होता रहा, और दूसरा होता है दिव्य बुद्धि का साक्षात्कार। दिव्य बुद्धि का साक्षात्कार ज्ञानी को आत्माओं को होता है, तो उसी साक्षात्कार की बात यहाँ कही कि तुम बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, अंदर अंदर खुशियों में झूमते रहेंगे, खुशी होती रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे अभी जीते रहो, क्या निश्चय बुद्धि हो तो जैसे जीते हो, अनिश्चय आता रहता है तो जैसे बीच बीच में मर जाते हो। अनिश्चय किस किस बात पे आता है, अनिश्चय आने की कौन कौन सी बातें हैं, 3 बातें हैं, कौन सी, एक तो बाप में अनिश्चय आता है, दूसरा ड्रामा में अनिश्चय आता है,
और तीसरा अपने आप के पांच में निश्चय है, आत्मा का निश्चय, परमात्मा बाप का निश्चय और ड्रामा का निश्चय, उसको ज्ञान का निश्चय भी कहें। तो बाप कहते हैं बच्चे जीते रहो, माया का ना बन जाओ और हमको कभी फारकती नहीं दे देना। अच्छा, माता पिता का याद करो, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। एक संदेश और है, 20 मार्च 2004 को मीटिंग के भाई बहनों के प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश गुलजार दादी के द्वारा। आज बाप दादा के पास सर्व मीटिंग के साथियों की और विशेष हमारी दादियों की याद प्यार लेते हुए पहुंची तो क्या देखा कि आज बाप दादा बहुत बिजी थे। कहाँ थे बिजी, हैं? ऊपर सूक्ष्म बतलने में बहुत बिजी थे, हैं? कहाँ का समाचार सुनाया? माउंट आबू का। हाँ, माउंट आबू में सुनाया, लेकिन समाचार तो सूक्ष्म बतनवासी बाप दादा का सुनाया। तो बाप दादा बहुत बिजी थे, बाप दादा के सामने बहुत रंग बिरंगे हीरे थे और हरेक हीरे को बहुत बहुत प्यार से देख देख करके हर्षित हो रहे थे। ये रंग बिरंगे हीरे चैतन्य हीरे होंगे या जड़ हीरे होंगे? चैतन्य हीरे थे जिनको देख देख करके बाप दादा बहुत हर्षित हो रहे थे। मैं दूर से ही देख करके हर्षित हो आगे बढ़ते सन्मुख पहुंच गई, लेकिन बाप दादा का ध्यान हीरो में ही रहा, मेरी और बाप दादा का ध्यान गया ही नहीं। एक वो दिन था कि ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी को बुलाते रहते थे और गुलजार दादी नजदीक नहीं आती थी, भाग जाती थी। एक वो दिन है कि गुलजार दादी बार बार बाप दादा के सामने सूक्ष्म बतन में जाती है संदेश लेकर और बाप दादा उसकी ओर देखते ही नहीं। तो बाप दादा का ध्यान हीरो में था, थोड़ी हलचल के बाद बाबा की नजर मेरे ऊपर गई। क्या? जब हलचल हुई थोड़ी तो बाप दादा की नजर मेरे ऊपर गई और बाबा बोले आओ मेरी होली हैप्पी डायमंड आओ, क्या समाचार लाई हो? मैं बोली बाबा आज आपके विशेष निमित्त बच्चों की याद प्यार लाई हूँ। क्या? साधारण निमित्त नहीं, जो आपके विशेष निमित्त बच्चे हैं उनकी याद प्यार लाई हो। बाप दादा ने मुस्कुराते सबका याद प्यार स्वीकार किया। मैं बोली बाबा आज आप बहुत बिजी हो। तो बाप दादा मीठा मीठा मुस्कुराते हुए बोले बच्ची आजकल आपकी साकार दुनिया में इलेक्शन चल रहे हैं। आपकी साकार दुनिया में इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो बाप दादा भी आज सिलेक्शन कर रहे हैं कि मेरे लाडले हीरे बच्चे कैसे कैसे बच्चे हैं जो सिलेक्शन में आने वाले हैं। मैं बोली बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले बच्ची हीरे तो सब हैं, लेकिन तीन प्रकार के रत्न देख रहे हैं। जिन रत्नों को देख रहे हैं बाप दादा वो हीरे तो सब हैं, हीरो पार्टधारी तो सब हैं अपने अपने ग्रुप में, लेकिन हाँ लेकिन तीन प्रकार के रत्न देख रहे थे। एक है कितना भी कैसा भी वायुमंडल परिस्थितियों की धूल हो लेकिन उनों पर धूल का प्रभाव नहीं पड़ता है, एक ऐसा भी हीरो का ग्रुप है जिस पर न तो वायुमंडल का असर पड़ता है और न पर के द्वारा आई हुई जो स्थितियां हैं समस्याएं हैं उन समस्याओं का उनके ऊपर कोई असर चिकने वाले हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ता ही नहीं, धूल का प्रभाव नहीं पड़ता। धूल मन
कैसी भी कोई परिस्थितियाँ ला करके देह अभिमान की धूल डालना चाहे उनके ऊपर धूल फैलती नहीं, सदा चमकते ही रहते हैं। और दूसरे हैं जो कभी कभी कोई न कोई शक्ति समय पर अपने में कमजोरी की कमी महसूस करते हैं, जिसके कारण वायुमंडल के परिस्थितियों के वाइब्रेशन के प्रभाव की धूल के अंदर आ जाती है, प्रभाव में आ जाते हैं, कभी अटेंशन से मिटाए भी लेते हैं और कभी प्रभाव में आ जाते हैं, वो है दूसरे प्रकार के हीरे। तीसरे हैं जो कुछ न कुछ छोटे बड़े दाम पक्के हैं, मिटाते भी हैं, मिटा ही नहीं सकते, सोचते बहुत अच्छा है ये करूंगा ये होगा, लेकिन संकल्प को प्रत्यक्ष परिवर्तन में लाने की शक्ति कम है, किसी न किसी संस्कार के कारण शक्तिहीन बन जाते हैं। तो ऐसे तीन प्रकार के हीरों को देख करके हर्षित हो रहे हो। मैं बोली, बाबा परिवर्तन चाहते, उमंग होते हुए भी सोचते भी क्यों नहीं हो पाता है? बाप दादा मुस्कराते हुए बोले, बच्ची परिवर्तन की इच्छा होती है लेकिन साथ में चारों ओर के हद की इच्छाएं कि मेरा नाम हो जाए, मेरी शान हो जाए, ये मेरा मान होगा कि नहीं होगा, दूसरे लोग मुझे क्या देखेंगे, मान देंगे या नहीं देंगे, मेरी शान बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये व्यर्थ संकल्प मिक्स होने के कारण शुभ संकल्प की शक्ति को दबाए देते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष परिवर्तन संकल्प तक ही रह जाता है, जो परिवर्तन प्रत्यक्ष होना चाहिए वो नहीं हो पाता। समर्थ और व्यर्थ दोनों की वार हो जाती है, युद्ध हो जाता है और युद्ध में रह जाते। बाप दादा ऐसे बच्चों को विशेष रहम दिल बन हिम्मत की शक्ति देते रहते हैं, लेकिन वो बच्चे अपनी ही उलझन में उलझते रहते। बाप दादा ने देखा है, विशेष कारण है एक दो की ओर देखना और एक दो को हद की प्राप्ति में काफी करना। इनको कितना मान मर्तबा मिला है, हमको कितना मान मर्तबा मिला है, ये ऐसे हैं, ये इतने हैं, हम ऐसे क्यों नहीं है, हमने इतना प्राप्त क्यों नहीं किया, मैं क्यों कम रहूंगी या रहूंगा, ये लहर बच्चों में ज्यादा दिखाई दे रही है। किन बच्चों की बात कर रहे हैं है? ये किन बच्चों की बात कर रहे हैं बाप दादा है? हीरो पाठधारी बच्चे जो एक साल है विशेष अभ्यस्त वाणियों में भी बोले हैं, कौन से हीरो पाठधारी? अष्टदेव। अष्टदेवों में भी तीन प्रकार के बच्चे बताए दिए, और किनकी संख्या ज्यादा बताई? जो मान शान की बातों में फंसने वाले, उनकी संख्या जास्ती है, तो प्राप्ति में कमी हो जाती है। दूसरों से अपने को टैली करके देखते रहते हैं, आदि हो चुके हैं, फॉलो फादर करने के बजाय एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर रहेगा वैसे ही तो बनेंगे। फॉलो किसको करना चाहिए? एक बाप दूसरा नकुल। जैसे ब्रह्मा बाप सभी बच्चों की कमी भी जानते थे और कमी जानते हुए भी विशेषताओं को देखते थे और विशेषताओं से ही आगे बढ़ाते थे, इस विधि से ही स्व परिवर्तन सहज हो सकता है। नॉलेजफुल ज्यादा हो जाते हैं लेकिन पावरफुल वो परिवर्तन नहीं कर पाते,
बाप दादा यही चाहते हैं कि अब समय प्रमाण 100 के ऊपर अटेंशन जरूरी है, वो रखना चाहिए। इसके बाद मैंने बोला, बाबा हमारी दादियों का यही संकल्प है कि इस वर्ष बाप दादा को अवश्य विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले। क्यों मुस्कुराते हुए क्यों बोले है? क्योंकि दीदी दादियां बिंदी बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहती है, सूक्ष्म वतनवासी बाप दादा को संसार में प्रत्यक्ष करना चाहती है, और बाप दादा साकार में पार्ट बजाने वाले निराकारी और आकारी बाप दादा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। तो बाप दादा मुस्कराते हुए बोले, आप मास्टर सर शक्तिवान बच्चों के संगठन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा संगठन दीदी दादियां लेकर के चल रही है तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा तो क्या अकेला बाप दादा प्रत्यक्ष होगा या बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, और वो बच्चे सारे हुजूम के हुजूम बच्चे होंगे या कोई छोटा सा परिवार होगा? जरूर छोटा सा परिवार होगा। पहले बाप दादा 8 बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है, तो सर्व बच्चों को पहले स्वयं में संपन्नता की प्रत्यक्षता करनी होगी, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। बाप साथ में हो और बाप समान बच्चे भी चाहिए, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। हमारा बाप आ गया और हमारे पूर्वज आ गए। कौन हुए पूर्वज? हैं? सूर्यवंशी या इस्लाम बौद्धी वंशी या चंद्रवंशी? जरूर है, जो पूर्वज होंगे वो सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी भी उस लिस्ट में नहीं आ सकते। तो नगाड़ा बजेगा प्रत्यक्षता का कि हमारा बाप आ गया और हमारे पूर्वज आ गए। फिर मैंने दादी जी का सर्विस का संकल्प सुनाया कि हर एक विश्व की आत्मा को संदेश मिलना चाहिए, उलहना न रह जाए। बाबा बोली, ये तो बात बहुत अच्छी, ये सेवा तो करो, लेकिन साथ में 3 प्रकार की सेवा का लक्ष्य रखो। एक तो संदेश देना, दूसरा संबंध संपर्क वालों को और आगे बढ़ाना और तैयार करना, और तीसरा है संदेश वाहक आत्माओं को भी तैयार करना। क्या इनको किनको तैयार करना? जो संदेश वाहक दूसरों संसार को संदेश देने वाली आत्माएं, संदेश देने से क्या बनते हैं? प्रजा बनती है। तो अभी तक बेसिक नॉलेज में क्या हुआ है? प्रजा बनने वाली आत्माओं को संदेश दिया गया है, ढोल पीटा गया है, परमात्मा बाप आ गया, वारसदार नहीं बनाया गया। वारसदार बनने और बनाने के लिए एक एक आत्मा के साथ बैठ करके मेहनत करनी पड़ती है, जो एडवांस नॉलेज में चलता है। तो एडवांस ज्ञान में बनाए जाते हैं वारसदार, और बीके में बनाए जाते हैं प्रजा क्वालिटी की आत्माएं। संदेश देने वालों का ये काम है। तो बोला कि तीसरी बात है संदेश वाहक आत्माओं को भी तैयार करना, जो अपनी पोजीशन और आध्यात्मिक अनुभव के आधार से संसार के सामने ललकार कर सके। 3 प्रकार की सेवा हर सेंटर व गीता पाठशाला की हरेक ब्राह्मण आत्मा को मर्यादा पूर्वक करना जरूरी है। हरेक ब्राह्मण आत्मा ऐसे ही समझे कि इस समय या इस वर्ष 100 और सेवा का बैलेंस द्वारा विशेष सहज ब्लेसिंग की सफलता का डायमंड लॉटरी लेने का अभी हमें चांस लेना है। समय के चांस को कान में लगाना ही है। इतना ज्यादा समय संकल्प तन मन धन द्वारा करें उतना स्व और सर्व का भागी बनेगा। बाकी तो मीटिंग वाले बच्चों को सदा दिलाराम, बाप दिन तक नसीन देखते हैं, हरेक की विशेषता पर बलिहार जाते हैं,
बाकी बच्चों ने मिलने की अर्जी डाली। बाप तो बच्चों से ज्यादा मिलना चाहते हैं, क्योंकि बाप का तो काम ही है, क्या काम है, है? बच्चों से मिलना। तो बच्चों से अव्यक्त और व्यक्त रूप में मिलना ये बाप का काम ही है, लेकिन इस बारे वायदे का फायदा बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में बच्चों का परिवर्तन देखना चाहते। वायदों का फाइल समाप्त करके फाइनल स्टेज को प्रत्यक्ष देखना चाहते। बाप दादा तो हर कदम में बच्चों के साथ हैं, साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, ऐसे कहते हर बच्चे को अपने नैनों में समाते। बाप दादा ने याद प्यार दिया, साथ में देश विदेश के हर बच्चे को भी याद प्यार दिया। अच्छा, ओम सर, एक संदेश और है एक पेज का, ये है 3 अप्रैल 2004 का संदेश गुलजार दादी के द्वारा। मीटिंग में आए बच्चों के प्रति, आज बाप दादा के पास आप सबका और दादियों का याद प्यार लेकर के गई, तो सामने से ही देखा कि बाप दादा बहुत मधुर मुस्कान से इतने बड़ी शक्तिशाली दृष्टि दे रहे थे और बोले, आओ मेरे विश्व सेवा साथी गुरु भाई बच्चे आओ। कौन से बच्चों से बोले? गुरु भाई बच्चों से बोले। बाप दादा के भी गुरु भाई होंगे, हैं? नहीं, क्यों क्यों बाप दादा के गुरु भाई क्यों नहीं हो सकते, हैं? गुरु कौन है और गुरु के भाई कौन है? आओ मेरे विश्व सेवा साथी गुरु भाई बच्चे आओ। सूक्ष्म वतन में संदेश लेकर के गई ना, तो सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा के पास गई, तो ब्रह्मा बाबा के तो गुरु भाई बच्चे हो सकते कि नहीं हो सकते? तो बोले, मैं तो सुन सुन करके स्नेह में समा गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो सब जोन वर्ग बहुत उमंग उत्साह से चारों ओर की सेवा के प्लान बनाए रहे, सबको दादियों सहित यही संकल्प है कि परमात्मा प्रत्यक्षता करनी है। बाप दादा ने मीठा मुस्कराया, दीदी दादियां अपना संकल्प जैसे ही सामने रखती हैं कि प्रत्यक्षता करनी है इस वर्ष, बाप दादा की प्रत्यक्षता सबके सामने सारी दुनिया के सामने करनी है, तो ऐसा संकल्प करते ही बाप दादा क्या करते हैं? मुस्कराते हैं। बाप दादा मीठा मीठा मुस्कराया और बोले, स्व परिवर्तन का भी प्लान हरेक के दिल से बनाया है, है? अगर स्व परिवर्तन नहीं हुआ तो बाप दादा की प्रत्यक्षता तो हो जाएगी लेकिन अपने अंदर किरकिरी रह जाएगी, तो प्रत्यक्षता हुई हुई न हुई अपने लिए बेकार हो जाएगी। इसलिए बाप दादा मीठे मीठे मुस्कुराए। मैं बोली, बाबा सबका इस समय लक्ष्य तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा सुनकर के एक घड़ी के लिए बिल्कुल डेड साइलेंस स्वरूप में आ गए और बोले, बाप दादा है ने एडवांस सब बच्चों को स्व परिवर्तन की पदम गुना मुबारक दे रहे और बहुत खुश है, और रिजल्ट देख हर बच्चे पर स्वरज के सच्चे डायमंड की वर्षा करेंगे, स्वरज के सच्चे डायमंड की वर्षा करेंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि कहां कहां आप भी बच्चों के दृढ़ता की शक्ति को, आपकी समस्याएं सेवा की समस्याओं की शक्ति 100% विजयी बनने में, कुछ मिटाने भूलने बदलने में कमजोर बनाए देती है और कमजोर बनाए सकती है, फिर भी बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर सदा दर्द सर्व के मददगार। उसके बाद ऐसे लगा जैसे बाप दादा हमारी मीटिंग के सर बच्चों को सामने देख रहे हैं और बहुत मीठा स्नेह दे रहे हैं। मैं बोली, बाबा आप क्या देख रहे हो? बाबा बोले, बाप तो सदा बच्चों को ही देखते हैं। बाबा ने तो पहले ही कहा है कि इस बारी रिजल्ट देख करके फिर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे।
क्या कहा? क्या रिजल्ट देखेंगे? हैं? कि बच्चे स्व परिवर्तन करते हैं या नहीं करते हैं? अगर स्व परिवर्तन करेंगे तो आगे प्लान बनाएंगे अच्छा वाला। अगर स्व परिवर्तन नहीं करते हैं तो जिन्होंने स्व परिवर्तन किया होगा उनसे मिलेंगे और दूसरों से नहीं मिलेंगे। यही सारा हुआ ना। तो बाबा ने कहा, पहले ही कहा है कि तुम्हारे रिजल्ट देख करके फिर आगे का प्रोग्राम बनावेंगे। बाप दादा के पास तो चारों ओर की रिजल्ट एक मास में ही पहुंच जाएगी। क्या एक मास के पुरुषार्थ के अंदर ही बच्चों की रिजल्ट बाप दादा परख लेंगे कि कौन कौन बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वको परिवर्तन करने का। उसके बाद बाबा को दादी जी की विशेष याद और उमंग सुनाई। बाबा खुश हुए और कहा, बच्ची के दिल के उमंग तो बहुत अच्छे, क्योंकि निमित्त बच्ची है। कौन? कुमार का दादी। पर शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन बाप दादा और आप सबका स्नेह दुआएं चला रही। क्या कहा? हैं? कुमार का दादी का भी पांच तत्वों से बना हुआ शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन बाप दादा और आप सबका स्नेह दुआएं उनको चलाए रही है। चलाने वाला चला रहा है और आगे भी चलाते रहेंगे। उसके बाद बाबा ने दादी जानकी और साथ में सब दादियों को याद किया। दादी जानकी को याद देते बोले, बच्ची को वर्तमान समय शरीर को चलाना अच्छा आ गया, इसलिए सेवा में चक्रवर्ती बन गई है। फॉरेन की सेवा पर अच्छा अटेंशन है। चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा बढ़ाई रही है। इस समय डबल फॉरेनर्स बच्चों में भी स्व परिवर्तन के पुरुषार्थ में सफलता अच्छी है। महीना पूरा नहीं हुआ, पहले ही रिजल्ट देना शुरू कर दिया। क्या रिजल्ट दिया है? इस समय डबल फॉरेनर्स बच्चों में भी स्व परिवर्तन के पुरुषार्थ में सफलता अच्छी है, इसलिए बाप दादा दिलाराम सर्व डबल विदेशी बच्चों को दिल की दुआएं, दिल की यादगार दे रहे हैं। कौन से बच्चों को? डबल विदेशी बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा, तो स्वदेशियों ने क्या पाप कर दिया? इस बारी डबल विदेशी बच्चों को इतना क्यों उठा रहे हैं? क्यों? अष्टदेवों की जो आज प्रत्यक्षता वर्ष की बात कर रहे हैं और डबल विदेशी बच्चों का आवाहन जैसे कर रहे हैं, तो स्वदेशी बच्चों को भूल जाएंगे क्या? इससे साबित होता है कि जो भी आंख निकलने हैं वो डबल विदेशी बच्चे निकलने। आखिरी जन्मों में इस रावण राज से टकराते टकराते आखिरी जन्मों में एक दो जन्मों में डबल विदेशी बन जाते। तो बोला, दिल की याद प्यार और दुआएं डबल विदेशी बच्चों को दे रहे। उसके बाद बाप दादा ने सब मीटिंग वाले और मधुबन की सर्व बेटाओं के बच्चों को वतन में ही मर्ज किया। सेकंड में ही सर्व अर्ध चंद्रमा के रूप में बाप दादा के आसपास पहुंच गए। इसके आसपास पहुंच गए, अर्ध चंद्रमा के आसपास, संपूर्ण चंद्रमा के आसपास नहीं। सेकंड में सब अर्ध चंद्रमा के रूप में बाप दादा के आसपास पहुंच गए। बाप दादा ने अपने वरदानी हाथ से वरदान दे बोले, बच्चे सदा निमित्त भव, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी द्वारा सहज सफलता भव। और बाबा के साथ द्वारा हाथ द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की लाइट की किरणें निकल रही थी, जो सबके ऊपर छत्र छाया बन गई। यह दृश्य भी बड़ा सुंदर था। उसके बाद बाबा ने मिलन मनाते विदाई दी और बोले, सभी स्वराज दुलारे इस बच्चों को दिलाराम का दुलार देना।
अच्छा ओम शरण।